A very good morning to all of you. I welcome you once again to my channel, Explore Education. And the topic of discussion is past theory of intelligence. Okay, and I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. This lecture will be in the bilingual mode, Hindi as well as in English. And this topic will be useful for various teaching examinations. And subscribe my channel if you like this content and found it worthy. Okay, let's start. सबसे पहले हम लोग एक quick recap लेंगे. हम intelligence के बारे में पढ़ रहे हैं. Intelligence पर हम लोगों ने बहुत बातें कर ली हैं, बहुत सारी theories पढ़ ली हैं. In fact ये last theory है जो हम discuss करने जा रहे हैं intelligence पर. इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरीज चल रही हैं इस वक्त, जिसमें से हमने सबसे पहले पढ़ी थी मल्टीपल इंटेलिजेंसेस बाय हॉवर्ड गार्डनर, देन हमने पढ़ी थी स्टर्नबर्ग थ्योरी ऑफ ट्रायार्किक इंटेलिजेंस, एंड आज हम पढ़ रहे हैं पास्ट थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस. ये थ्योरी आई भी है सबसे लास्ट में, सबसे लेट है, सबसे रीसेंट है साइकोलॉजी में, और इसीलिए अभी इतना मोमेंटम, इतनी पॉपुलैरिटी इसको नहीं मिली है, मतलब लेस पॉपुलर है, ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं इसके बारे में. तो आइए जानते हैं ताकि इस पर सवाल पूछा जाए तो आप इसका सही उत्तर दे सकें. पास्ट थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, देखिए पास्ट जो है वो एब्रिविएशन है. पी फॉर प्लानिंग, ए फॉर अटेंशन अराउजल, एस फॉर साइमल्टेनियस एंड सेकेंड एस फॉर सक्सेसिव. The planning, attention, arousal, simultaneous and successive past theory of intelligence was developed by Das, Naglieri and Kirby. और कब आई है? As late as in 1994, है ना? इसीलिए ज्यादातर सिलेबस में, बुक्स में अभी ये कवर नहीं की जा रही है. फिर पास्ट थ्योरी इज यूजफुल टू लिंक पास्ट प्रोसेसेस टू द ब्रेन. ये जो प्रोसेसेस हैं, प्लानिंग, अटेंशन, अराउजल, साइमल्टेनियस एंड सक्सेसिव, इन प्रक्रियाओं को मस्तिष्क से जोड़ने वाली ये थ्योरी है. फिर दिस थ्योरी हैज टेकन इट्स इंस्पिरेशन फ्रॉम द पायनियरिंग न्यूरोसाइकोलॉजिकल रिसर्चेस ऑफ अलेक्जेंडर लूरिया. ये थ्योरी अलेक्जेंडर लूरिया ने न्यूरोसाइकोलॉजिकल रिसर्चेस कर रही थी, मतलब कि न्यूरोसाइकोलॉजिकल मींस ब्रेन और साइकोलॉजी का क्या कनेक्शन है, ब्रेन और इंटेलिजेंस का क्या कनेक्शन है, कौन सा हिस्सा किस तरीके की सोच को निर्धारित करता है, गवर्न करता है. तो पूरा पूरा वहीं से लिया गया ये थ्योरी कि हम इसको इंटेलिजेंस से कैसे जोड़ सकते हैं. ओके, द पास्ट थ्योरी इज एन अल्टरनेटिव टू अप्रोचेस टू इंटेलिजेंस दैट हैव ट्रेडिशनली इंक्लूडेड वर्बल, नॉन वर्बल एंड क्वांटिटेटिव टेस्ट्स. और लूरिया प्रपोज्ड थ्री फंक्शनल यूनिट्स ऑफ ब्रेन डिटरमाइन द इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी ऑफ एन इंडिविजुअल. मतलब उन्होंने ब्रेन की, मस्तिष्क की तीन कार्यात्मक इकाइयों के बारे में बताया और उसी से किसी इंडिविजुअल की इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी को जोड़ा, यानी कि उनके अनुसार कि ये जो ब्रेन की, मस्तिष्क की हमारी कार्यात्मक इकाइयां हैं, क्रियात्मक इकाइयां हैं, वही सुनिश्चित करती हैं एक व्यक्ति की बौद्धिक योग्यता को. ओके, और ये तीन यूनिट्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए, यही जो हमने पढ़ा है, प्लानिंग, अटेंशन अराउजल एंड साइमल्टेनियस और सक्सेसिव प्रोसेसिंग. ओके, क्या है ये अटेंशन अराउजल, साइमल्टेनियस सक्सेसिव प्रोसेसिंग और प्लानिंग? अटेंशन अराउजल क्या है? दिस प्रोसेस इज बेसिक टू एनी बिहेवियर, यानी कि अटेंशन पे करना है ना किसी चीज के लिए, यानी ये जो प्रक्रिया है ये किसी भी व्यवहार के लिए बेसिक है. एंड इट इज प्रोसेस्ड बाय फर्स्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेन, और जो मस्तिष्क है हमारा उसकी प्रथम क्रियात्मक इकाई द्वारा ये प्रोसेस किया जाता है. एंड दैट इन्वॉल्व्स द एबिलिटी टू सिलेक्टिवली अटेंड टू स्टिमुलाई. मतलब ये हमें ये बताता है कि हमको जो भी उद्दीपन हमको मिल रहा है उसको सिलेक्टिवली अटेंड करना है, मतलब कि हमको हर उद्दीपन के लिए रिएक्शन नहीं देना है. व्हाइल इग्नोरिंग अदर डिस्ट्रैक्शंस, यानी कि वो जो हमको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है उसको इग्नोर भी करना है. एंड ऑप्टिमल लेवल ऑफ अराउजल फोकसेस अवर अटेंशन टू द रेलेवेंट पोर्शन ऑफ ए प्रॉब्लम. यानी कि हमारे सामने भाई बुद्धि क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस है. तो प्रॉब्लम जब हमारे सामने आ रही है तो उसके लिए हम क्या पे करेंगे, अटेंशन पे करेंगे. जो डिस्ट्रैक्शंस है हमको इग्नोर करेंगे. तो किसी भी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी के लिए फर्स्ट ये प्रोसेस है कौन सा, अटेंशन या अराउजल. हमारे अंदर ये क्यूरियोसिटी अराउज हो कि हमको ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है. ओके, देन साइमल्टेनियस सक्सेसिव प्रोसेसिंग क्या कह रहा है, दिस इन्वॉल्व्स द एबिलिटी टू इंटीग्रेट सेपरेट स्टिमुलाई.
और इंफॉर्मेशन टू अवर नॉलेज सिस्टम एज एन इंटर रिलेटेड होल. यानी कि ये जो प्रक्रिया है वो हमको ये वो योग्यता है जो कि सेपरेट स्टिमुलाई यानी कि विभिन्न प्रकार के उद्दीपन हैं और सूचनाएं हैं, लेकिन उसको एक इंटीग्रेटेड इंटर रिलेटेड होल प्रोवाइड करना साइमल्टेनियस और सक्सेसिव प्रोसेसिंग का काम है. और ब्रेन के कौन से हिस्से इसको गवर्न करते हैं? द ऑक्सीपिटल एंड पैराइटल लोब्स, है ना. जो बायोलॉजी जानते हैं वो समझ जाएंगे कि किस हिस्से की बात हो रही है. आर थॉट टू बी इंपॉर्टेंट फॉर दीज फंक्शंस. इन प्रक्रियाओं के लिए मस्तिष्क के ये हिस्से जिम्मेदार हैं. दिस इन्वॉल्व्स द एबिलिटी टू इंटीग्रेट स्टिमुलाई इंफॉर्मेशन इनटू ए सीक्वेंशियल ऑर्डर. यानी कि ये जो प्रक्रिया है वो किस योग्यता को निर्धारित करती है? जिसमें हम इंफॉर्मेशन को या उद्दीपनों को एक सीक्वेंस में अरेंज कर सके, इंटीग्रेट कर सके. और लर्निंग ऑफ डिजिट्स, जैसे 10 अंकों का हम वो मोबाइल नंबर याद करते हैं, उसके लिए हमको सीक्वेंस चाहिए ना. सीक्वेंस अगर एक भी आगे पीछे किया तो आप गलत कर देंगे. अल्फाबेट्स, मल्टीप्लीकेशन टेबल्स एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल्स ऑफ सक्सेसिव प्रोसेसिंग. ये सभी सक्सेसिव प्रोसेसिंग के हिस्से हैं. दिस टाइप ऑफ प्रोसेसिंग इज रिलेटेड टू टेम्पोरल लोब. तो ये जो प्रोसेसिंग है ये टेम्पोरल लोब से गवर्न होती है. तो टेम्पोरल लोब क्या है? ब्रेन का हिस्सा है. ओके. एंड देन प्लानिंग. This is the ability of an individual to make decisions. अब हमको क्या करना है? डिसीजन लेना है, निर्णय लेना है about how to solve problem and how to carry out the task. यानी कि problem को कैसे solve करना है और task को कैसे complete करना है. It involves, तो इसमें क्या क्या आएगा? Setting goals, हमको अपने लक्ष्य निर्धारित करने होंगे. Course of action, plan of action हमको बनाना होगा to reach the goal, जिससे कि हम goal तक पहुंच सकें. And anticipating their consequences, और हमको उसके परिणाम के बारे में भी सोचना होगा. कहते हैं ना कि इंटेलिजेंस क्या है? इंटेलिजेंट रिस्क टेकिंग है. और प्लानिंग इज एसोसिएटेड विद द फ्रंटल लोब ऑफ द ब्रेन. तो ब्रेन की संरचना अगर आप जानेंगे तो जो फ्रंटल लोब है वो प्लानिंग से जुड़ा हुआ है. तो पहले अटेंशन, फिर साइमल्टेनियस सक्सेसिव प्रोसेसिंग और फिर प्लानिंग. ये तो एक मतलब उच्चारण करने योग्य एब्रीविएशन बन जाए, इसलिए पास कह रहे हैं. लेकिन क्रम क्या है? अटेंशन, अराउजल, फिर प्रोसेसिंग और फिर प्लानिंग. ओके. डिस्क्रिप्शन ऑफ दीज यूनिट्स, क्या है इन यूनिट्स में? The function of the first unit provides regulation of cortical arousal and attention. यानी कि first unit हमने क्या बताया? Attention है. कोई भी हमारे सामने problem आएगी तो हम पहले attention pay करेंगे उसके लिए. फिर second code क्या है? Simultaneous and successive processing. And the third क्या है? कि हम strategy develop करेंगे, strategy use करेंगे, self-monitoring and control of cognitive activities. यानी कि क्रम क्या चल रहा है? Attention, processing, planning. लेकिन नाम क्या है theory का? PASS, planning, attention और successive and simultaneous processing. Okay. तो जो पहला हिस्सा है, the first of these three functional units of the brain, the attention arousal system is located primarily in the brainstem. Brainstem में ये हिस्सा located है, the diencephalon and the medial region of the cortex. ये सभी ब्रेन के हिस्से हैं. इसलिए जो लोग विश्व साइंस नहीं पढ़े हैं, साइंस सब्जेक्ट उन्होंने नहीं लिया है या वो भूल गए, उनको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है. नहीं तो बायोलॉजी स्टूडेंट्स जानते हैं डायनसेफेलॉन क्या है, ब्रेन स्टेम क्या है, मीडियल रीजन. या आप एक बार ब्रेन के हिस्से को, ब्रेन के स्ट्रक्चर को देख लीजिए. देन ऑप्टिमल कंडीशंस ऑफ अराउजल आर नीडेड. यानी कि हमको ऑप्टिमली अटेंशन या अराउजल पे करना होगा, तभी हम नेक्स्ट स्टेप पे जा पाएंगे. मतलब सबसे पहले किसी भी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी में क्या आएगा? अटेंशन. हम सबसे पहले अटेंशन पे करते हैं प्रॉब्लम के लिए, फिर प्रोसेसिंग करते हैं और फिर किसी निर्णय पे पहुंचते हैं, क्योंकि प्लानिंग में क्या है? डिसीजन मेकिंग है. ओके. Are needed before the more complex forms of attention involving selective recognition of a particular stimulus and inhibition of responses to irrelevant stimuli can occur. यानी कि पहले हम एक ऑप्टिमल लेवल का अराउजल शो करेंगे, फिर हम जो हमारे हिस्से, हमारे काम का है, हमारे लिए जरूरी है, पर्पसफुल है हमारे लिए, उस पे हम अटेंशन पे करेंगे और बाकी डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर करेंगे. देन only when individuals are sufficiently aroused, यानी कि अगर हमने sufficient attention pay कर दिया है and their attention is adequately focused और हम सही जगह पे focus भी कर रहे हैं, can they utilize processes in the second and third functional units. तभी हम second और third functional unit पे काम कर पाएंगे. फिर सेकेंड फंक्शनल यूनिट क्या है? ये किससे एसोसिएटेड है? ऑक्सीपिटल, पैराइटल एंड टेम्पोरल लोब से, पोस्टीरियर टू द सेंट्रल सल्कस ऑफ द ब्रेन. फिर ये ब्रेन के हिस्से हैं. दिस यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, अब ये यूनिट क्या करती है? रिसीव करती है, प्रोसेसिंग करती है और रिटेन करती है. किसको? इन्फॉर्मेशन को. द पर्सन ऑब्टेन्स फ्रॉम द एक्सटर्नल वर्ल्ड, यानी बाह्य संसार से हम पर्सन ने जो भी इन्फॉर्मेशन सीख की है उसको रिसीव करेगी, प्रोसेस करेगी और रिटेन करेगी. तो ये यूनिट क्या करती है? साइमल्टेनियस और सक्सेसिव प्रोसेसिंग. फिर वेयर अ
अच्छा, इसमें से साइमल्टेनियस क्या करता है? साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग इन्वॉल्व्स वर्किंग विद स्टिमुलाई दैट आर इंटर रिलेटेड, यानी कि जो एक दूसरे से मिलते जुलते स्टिमुलाई हैं उन पे काम करता है साइमल्टेनियस। और सक्सेसिव प्रोसेसिंग क्या करता है? इन्वॉल्व्स इन्फॉर्मेशन दैट इज लीनियरली ऑर्गेनाइज्ड एंड इंटीग्रेटेड इनटू ए चेन लाइक प्रोग्रेशन। जैसे कह रहे हैं ना, मल्टीप्लीकेशन टेबल याद करना या मोबाइल नंबर के क्रम याद करना, जो रेखीय व्यवस्थित है, रेखीय संरचना में, उन पर काम करता है सक्सेसिव प्रोसेसिंग। फिर थर्ड फंक्शनल यूनिट ब्रेन के किस हिस्से से गवर्न होती है? प्री फ्रंटल एरियाज ऑफ द फ्रंटल लोब्स ऑफ द ब्रेन। और लूरिया ने क्या कहा? लूरिया ने कहा कि लूरिया स्टेटेड दैट द फ्रंटल लोब्स सिंथेसाइज इंफॉर्मेशन अबाउट द आउटसाइड वर्ल्ड एंड आर द मींस वेयर बाई द बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज रेगुलेटेड इन कन्फॉर्मिटी विद द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाई इट्स एक्शंस। यानी कि ये जो हिस्सा है वो इंफॉर्मेशन को सिंथेसाइज करता है जो हमको बाहरी संसार से मिलती है, और यही वो तरीका है जिससे कि बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनिज्म, यानी कि व्यक्ति का, इंडिविजुअल का जो व्यवहार है वो रेगुलेट होता है इन कन्फॉर्मिटी, यानी कि उसके अनुसार जो एक्शन हम प्रोड्यूस करते हैं। फिर दिस यूनिट प्रोवाइड्स फॉर द प्रोग्रामिंग, रेगुलेशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, यानी कि व्यक्ति का व्यवहार नियंत्रित होता है, यहीं से प्रोग्रामिंग की जाती है, यहीं से वेरीफाई किया जाता है। कहां से? साइमल्टेनियस और सक्सेसिव प्रोसेसिंग से, एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बिहेवियर सच एज आस्किंग क्वेश्चन, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स एंड सेल्फ मॉनिटरिंग। ओके, तो ये हमारी थर्ड फंक्शनल यूनिट। थर्ड फंक्शनल यूनिट में मीन्स हमारा प्लानिंग, यानी कि फर्स्ट फंक्शनल यूनिट अटेंशन, सेकंड फंक्शनल यूनिट साइमल्टेनियस सक्सेसिव प्रोसेसिंग, एंड थर्ड फंक्शनल यूनिट इज प्लानिंग। ओके, तो ये है, देखिए अगर आप चित्र रूप में इसको समझना चाहते हैं तो प्लानिंग, सॉरी कहाँ गया कर्सर, ये रहा। तो प्लानिंग हम फर्स्ट से शुरू करते हैं, अटेंशन। अटेंशन में फर्स्ट फंक्शनल यूनिट ब्रेन स्टेम में, अटेंशन से सक्सेसिव और साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग आपकी सेकेंड फंक्शनल यूनिट, और ये कौन से हिस्से गवर्न करते हैं? ऑक्सीपिटल, पेराइटल एंड टेम्पोरल। फिर यही बेस ऑफ नॉलेज भी है। और फिर उसके बाद आप थर्ड फंक्शनल यूनिट पे आ जाइए, प्लानिंग, और ये कौन सा हिस्सा गवर्न करना है? फ्रंटल। सिर्फ ये डायग्राम अगर आप याद कर लेंगे तो आपको ये थियरी समझ में आ जाएगी। तो थ्री यूनिट्स, यानी कौन फंक्शनल यूनिट और उसके संग हमारी पास थियरी ऑफ इंटेलिजेंस, ये संगत ये चित्र है। पास थ्योरी को अगर समझना चाहे तो हम इसी क्रम में आ गए, पास के क्रम में। तो प्लानिंग क्या है? मेन एबिलिटी दैट डिस्टिंग्विशेस ह्यूमंस फ्रॉम प्राइमेट्स, यानी कि पुराने जो प्राइम जीव हैं उनसे हम कैसे अपने आप को विभेद कर सकते हैं कि हम योजना बना सकते हैं। इट देयरफॉर हेल्प्स अस सिलेक्ट और डेवलप द प्लान और स्ट्रेटजीज नीडेड टू कंप्लीट टास्क। हमारे सामने कोई टास्क है उसको पूरा करने के लिए हम योजना बनाते हैं, तो ये एक हमारी उच्चतम हमारी योग्यता है। फॉर विच अ सोल्यूशन इज नीडेड, उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा? समाधान चाहिए होगा उसका। एंड इज क्रिटिकल टू ऑल एक्टिविटीज वेयर अ चाइल्ड और एडल्ट हैज टू डिटरमाइन हाउ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, है ना, जो जितना बढ़िया प्रॉब्लम सॉल्वर है वही उतना ज्यादा इंटेलिजेंट है। ओके, देन अटेंशन। अटेंशन में मेंटल प्रोसेस दैट इज क्लोजली रिलेटेड टू द ओरिएंटिंग रिस्पॉन्स, यानी हम किस प्रॉब्लम की तरफ ओरिएंट हो रहे हैं, ये भी तो ध्यान देने वाली बात है। द बेस ऑफ द ब्रेन अलाउज द ऑर्गेनिज्म टू डायरेक्ट फोकस्ड सेलेक्टिव अटेंशन टुवर्ड अ स्टिमुलस ओवर टाइम एंड टू रेजिस्ट लॉस ऑफ अटेंशन टू अदर स्टिमुलाई, यानी कि जो डिस्ट्रैक्शन है उनसे हमको दूर होकर फोकस करना है एक वो उस प्रॉब्लम के लिए जो हमारे लिए उपयोगी है। देन साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग क्या है? इसेंशियल फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन इन टू ग्रुप्स, ये बार बार कह रहा है ना कि इंटर रिलेटेड होल बनाता है। कौन? साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग इंटर रिलेटेड एलिमेंट्स में पैटर्न शो करता है। और सक्सेसिव प्रोसेसिंग क्या करता है? लीनियरली स्पेसिफिक सीरियल ऑर्डर ए टू जेड चलना है, मल्टीप्लीकेशन टेबल टू से टू टेन जा ट्वेंटी चलना है। तो ये जो सक्सेसिव स्पेसिफिक सीरियल ऑर्डर, हमको सीरियल ऑर्डर मेंटेन करके रखता है, कौन? सक्सेसिव प्रोसेसिंग। इन्वॉल्व इन द यूज ऑफ स्टिमुलाई अरेंज इन ए स्पेसिफिक सीरियल ऑर्डर, व्हेनेवर इन्फॉर्मेशन मस्ट बी रिमेंबर्ड और कंप्लीटेड इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर सक्सेसिव प्रोसेसिंग विल बी इन्वॉल्व। यानी कि आप अब ये समझ गए होंगे कि जब भी हम कोई चीज क्रम में याद करना चाहते हैं तो हमारे मस्तिष्क की सक्सेसिव प्रोसेसिंग उसमें हमें हेल्प करती है। ओके, तो हम कंक्लूड क्या कर सकते हैं कि इट इज एन अल्टरनेटिव टू अप्रोचेस टू इंटेलिजेंस, यानी कि ये जो थ्योरी है पास थ्योरी वो इंटेलिजेंस की जितनी अप्रोचेस है उसका एक अल्टरनेटिव हमको प्रोवाइड करती है। दैट हैव ट्रेडिशनली इंक्लूडेड वर्बल, नॉन वर्बल एंड क्वांटिटेटिव टेस्ट। जो ट्रेडिशनल टेस्ट है वो सिर्फ वर्बल, नॉन वर्बल और क्वांटिटेटिव हमसे मेजरमेंट कराते हैं। बट नॉट ओनली डज दिस थियरी एक्सपैंड द व्यू ऑफ व्हाट एबिलिटी शुड बी मेजर्ड, मतलब ये हमको ये भी हमारा एक्सपेंशन करती है व्यू का कि कौन कौन सी योग्यताएं हैं जो मेजर की जा सकती हैं। सिर्फ इतना नहीं करती बल्कि क्या करती है? बट इट ऑल्सो पुट्स इम्फेसिस ऑन बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस एंड प्रीक्लूड्स द यूज ऑफ वर्बल अचीवमेंट लाइक टेस्ट सच एज वोकैब,
है ना, क्योंकि साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग में हमको वो कैब भी पूछा जाएगा क्या कि कैसे आपको क्रम याद है, कितने लंबे नाम आप याद कर सकते हैं, कितना लंबा आप डिजिट याद कर सकते हैं। तो ये जो है वो ट्रेडिशनल टेस्ट में नहीं आता था किसके, इंटेलिजेंस के। तो इस थ्योरी ने इसका भी इंक्लूजन वहां पे कराया है। फिर इन एडिशन इट इज एन अल्टरनेटिव टू द एनाक्रोनिस्टिक नोशन ऑफ ए जनरल इंटेलिजेंस। ये भी जो है वो जनरल इंटेलिजेंस से हमारे व्यू को बहुत एक्सपेंड कर रही है। इंस्टेड द फंक्शंस ऑफ द ब्रेन आर कंसीडर्ड द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एबिलिटी कंसेप्चुलाइज्ड विद इन ए कॉग्निटिव प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क। मतलब इसने क्या किया, मस्तिष्क का जो हमारा बिल्डिंग ब्लॉक है उसको कंसेप्चुलाइज कर दिया है कि कॉग्निटिव प्रोसेसिंग में, कि कैसे संज्ञान की क्रियाएं हो रही हैं। ऑल्दो द थ्योरी में हैव इट्स रूट्स इन न्यूरोसाइकोलॉजी, पूरा पूरा इसकी जड़ें इस थ्योरी की किसमें है, न्यूरोसाइकोलॉजी में है, बट इट्स ब्रांचेस आर स्प्रेड ओवर डेवलपमेंटल एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी। लेकिन हम इसको विकास और शैक्षिक मनोविज्ञान में भी पढ़ते हैं और वहां पर भी ये उपयोगी है। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट और यू कैन से रीसेंट थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस और नई बात हो रही है इसके बारे में इन कंपैरिजन टू अदर थ्योरीज। तो आप इसको जान जाइए तो एक एड ऑन हो जाएगा आपके लिए। सो थैंक यू ऑल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू फाउंड दिस कंटेंट वर्दी एंड यूजफुल टू यू, एंड ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप so that you can get learning material. If you want, you can ask your query there, you can provide feedback to me there. Okay? And the name of my Telegram channel is Explore Education. Okay? So done from my side.